स्कैम 2003 भाई नाम सुन के ही ऐसा लगता है कि लाइक बहुत ही बड़ा स्कैम होगा। तो हाँ 30,000 करोड़ का स्कैम किया था। ये स्कैम आपको शायद सभी लोगों को पता है, करीम तेलगी जो कि मतलब रेलवे स्टेशन पर रह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फर्जी स्टाम्प वगैरह बेच के लाइक 30,000 करोड़ का स्कैम किया था, उसी पे बनी हुई मूवी है। तो लाइक मूवी का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। आपने स्कैम 1992 देखी होगी एंड उसके अंदर भाई जितने भी कास्ट लिए गए थे, स्टार कास्ट थे, वो सभी के सब नहीं ही थे। एंड लाइक उनको देखने के बाद ऐसा लगता था कि हाँ यही थे जिन्होंने ये सब किया था, लेकिन भाई उनका ये सब नहीं। एंड भाई इस वेब सीरीज के अंदर भी जो स्टार कास्ट है, तो मेन एक्टर है वो भी भाई बिल्कुल नया है, जिसकी वजह से उनकी एक्टिंग इज लाइक रियल। करीम तेलगी की एक्टिंग वो बंदा जिस प्रकार से करता है एंड जो स्टार्टिंग के 4 से 5 एपिसोड्स है उनको देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये कोई स्कैम वगैरह चल रहा है। आपको लगेगा हाँ नॉर्मल चीज है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन भाई जिस प्रकार से उसने पूरी लाइक स्टोरी बिल्ड की थी एंड भाई इसके सारे एपिसोड 50-50 मिनट के हैं, तो अगर आपको मतलब एक साथ अगर देखने का मौका मिले तो कम से कम आपको 4.5 से 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि लाइक बहुत बड़ी वेब सीरीज है। एंड जब इसमें मजा आना स्टार्ट होता है ना, लाइक उस टाइम पे ही 2 भी कंटिन्यू लिखते थे एंड यार ये सब भाई बहुत ही गलत लगता है कि यार कितना मेहनत करके 4-4.5 घंटा बैठ के हम वेब सीरीज देखते हैं एंड लास्ट में जो मजा आने वाला सीन है उसको भाई हटा दिया जाता है। अब ये 2 महीने बाद में रिलीज होगा, मतलब नवंबर के अंदर रिलीज होगा एंड नवंबर से पहले बहुत सारी वेब सीरीज रिलीज होगी, जिसकी वजह से यार मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को याद भी नहीं रहेगा कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था। लेकिन भाई अगर ये नवंबर में आती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि लिटरली ये 1 ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज के अंदर होगी। पूरी वेब सीरीज को देखने के बाद इतना जरूर पता होता है कि यार पैसा जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट होता है एंड लास्ट में वो कितना काम आता है, वो सब कुछ इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। एंड जो भाई उस बंदे की एक्टिंग लाइक उस प्रकार से की गई है, जिस प्रकार से वो बड़े बड़े ऑफिसर से मिलता है, वो सब बहुत ही जबरदस्त लगता है। साथ ही में इस वेब सीरीज को देखने के बाद आपको ऐसा तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि यार कुछ गलत चीज देख ली। बस इतना ही दुख होता है कि यार इसको 2 भी कंटिन्यू रखा जाता है, पूरा एक साथ नहीं कवर किया जाता एंड अब 2 महीने बाद में इसको 2 भी कंटिन्यू करेगा, तो इतना सा तो शायद हमें भी महसूस कर सकते हैं। तो मतलब पैसा कमाने के लिए ये भी कुछ करेंगे, तो जरूर जाके देखना एंड देखने के बाद आपको मजा बहुत आएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जिस प्रकार से जो मतलब जो जो प्रकार के प्लानिंग वो करता था वो सब इसके अंदर है। तो जरूर जाके देखना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।